हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे हो, बढ़िया हो। तो दोस्तों, आज मैं चिकन पका रही हूँ और ये कुछ अलग वैरायटी का पका रही हूँ। मुझे पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, बट होप अच्छा टेस्ट हो, क्योंकि ऐसा मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो चलो आप भी देखो और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहा चिकन जिसको मैं अच्छा से धो दी हूँ। अभी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा मिर्च पाउडर भी डाल देंगे ताकि अंदर अच्छा से चले जाए मिर्ची का जो टेस्ट होता है। और अभी डाल दिया हम नमक। उसके बाद दोस्तों, ये रहा नींबू, तो इसको डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, मैं अच्छा से इसको मिक्स कर लूँगी और इसको 5 से 10 मिनट तक रख दूँगी ताकि इसका जो सॉल्ट है, मसाला जो भी लगाई हूँ, वो अंदर तक चले जाए और इसका अच्छा टेस्ट आए। तो फ्रेंड्स देखिए, सब मिक्स हो गया है। अब इसको बर्तन से ढक देते हैं ताकि ये अच्छा से मैरिनेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम डाल रहे हैं सरसों का तेल। फर्स्ट टाइम सरसों का तेल से बना रही हूँ, पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, अच्छा ही होगा। ये डाल दिया हम तेल। उसके बाद प्याज, उसके बाद 2 मिर्ची डाल दिए हैं। इसको अच्छा से फ्राई कर लेते हैं। तो ये कटा वाला प्याज है, प्याज और लहसुन और अदरक, इसको ग्राइंड नहीं किए हैं, ऐसे ही थोड़ा कूट के इसको लगाए हैं। तो ये हो गया है। अब देखिए, ये रहा हमारा चिकन। इसको भी अच्छा से भून लेना है। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। वैसे इसमें हल्दी नमक सब तो डाल दिए हैं, फिर भी देखते हैं अगर ऊपर से डालेंगे तो। ये देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, कितना अच्छा भी दिख रहा है। तो आप लोग भी प्लीज़ एक बार ट्राई कीजिए मेरा ये रेसिपी और टेस्ट कीजिए कि इसका टेस्ट कैसा है। तो फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो हो गया है 10 मिनट और ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अच्छा भी दिख रहा है। सॉरी, मतलब वीडियो अच्छा से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं खुद कैमरा पकड़ के वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज़। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा दिख रहा है हम लोग का चिकन। ये देखिए, इसका कलर भी चेंज हो गया और ऊपर से थोड़ा हल्दी तो लगा ही लेते हैं, सोचे फिर लगा लिया। और उसके बाद मसाला भी नहीं डाले थे तो वो भी डाल दिए हैं, और चिकन मसाला भी नहीं डाले थे तो उसको भी डाल दिए हैं। चलो देखते हैं कैसा रहेगा। हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिए हैं ताकि इसका ग्रेवी भी अच्छा से बन जाए और चिकन भी पक जाए। तो थोड़ा ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए। इसके बाद देखते हैं हमारा चिकन। तो ये देखो गाइस, फाइनली चिकन पक के रेडी हो गया और कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना ये रेसिपी और बताना कैसा लगा इसका टेस्ट। तो फ्रेंड्स, चलो मैं तो खा रही हूँ, आप भी बना के जरूर खाना। ये मैं
चावल निकाल दिए हैं। उसके बाद अभी चिकन निकालेंगे। ये देखिए चिकन कितना अच्छा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और जल्दी खाते हैं और आप भी खा लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।